शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने आठवीं चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यह आठवीं चार्जशीट है और ईडी ने बताया कि इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 200 पन्नों की सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट की सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने अब तक कुल 8 चार्जशीट दाखिल की हैं। इसमें एक मेन चार्जशीट और 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैं। अब तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पार्टी के पदाधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। उधर ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसे आबकारी नीति मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट का पता चला है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि जब केजरीवाल ने अपने फोन और अन्य उपकरणों का पासवर्ड देने से मना किया तो हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम बेल दी है। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद ईडी ने 17 अगस्त 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त 2022 को 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दिल्ली से विकास सारथी और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ईडी की आज की चार्जशीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बनाया गया है बल्कि पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया गया है। इसे आम आदमी पार्टी भी इसमें आरोपी है। इसी पर आज हमारा विशेष आधारित है, दिल्ली शराब घोटाला केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, डीके दुबे साहब लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, संकेत गुप्ता हैं स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम डीके दुबे जी आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि ये जानना भी चाहेंगे कि 200 पन्नों की इस चार्जशीट में दो महत्वपूर्ण बातें, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी आरोपी, जो कि मुझे लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शायद पहली बार हो, और क्या मुख्य बातें इस 200 पन्ने की चार्जशीट में सामने आ रही है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस समय मनीष सिसोदिया का केस गया था तो उस समय यह हुआ था कि साहब धन नहीं बरामद हो रहा है, तो ईडी ने कहा था धन तो गुजरात के चुनाव में खर्च हो गया, तो उन्होंने कहा किसने खर्च किया, तो बोले आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था क्या आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया है। अब आम आदमी पार्टी ये बॉडी कॉर्पोरेट बोली जाती है, लीगल पर्सनालिटी मानी जाती है, और लीगल पर्सनालिटी अगर कोई अपराध करती है या लीगल पर्सनालिटी के लिए कोई अपराध किया जाता है तो हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करते हैं। कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने का मतलब होता है कि उसका आवरण हटाकर वो व्यक्ति ढूंढेंगे जो व्यक्ति उसके पीछे का किंग पिन है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी संयोजक हैं उस पार्टी के, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ही मुख्य आरोपी के रूप में सामने आएंगे। दूसरी बात यह भी है कि जो चैट पकड़कर लाई है ईडी, इनके फोन तो इन्होंने गायब कर दिए सारे, लेकिन उधर जो 22 वर्षा है वहां से तो रिकवर हो गए हैं, तो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन सामने आ गया है। और आने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी भी पार्टी है, उसके कन्वीनर भी पार्टी हैं, और जो किंग पिन है यानी कि सरकार के मुखिया के रूप में बैठे हैं वो किंग पिन भी यहाँ पर पार्टी बनना स्वाभाविक है। अतः पूरा कंप्लीट चार्जशीट का मतलब यहां पर है कि पूरी कंप्लीट एनालिसिस, जो कम्युनिकेशन हुए होंगे, जिन लोगों ने बयान दिए होंगे,
जो लोग हवाला में शामिल हुए होंगे, जिन लोगों ने पैसा खर्च किया गया हो करा होगा और जिनके पास पैसा गया होगा, उन सभी के बयान उसमें आए होंगे, पूरी मिलाकर चार्जशीट सबमिट की है। इसका मतलब ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में, बाकी तो जो चार्जशीटें शामिल थी सबमिट की गई थी वो की गई थी, अरविंद केजरीवाल चूंकि बाद में निकल कर आए किंग पिंग के नाते, इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी मैटर मिला होगा उसको मिलाकर चार्जशीट में सबमिट किया है। इस समय संजीव जी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं इस मामले में, दिख रही हैं पार्टी के अंदर जो एक उठापटक चल रही है। स्वाति मालीवाल का एक मामला है, हालांकि उस पर अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात इस समय जो ईडी ने नई चार्जशीट दायर की है उसी पर हम केंद्रित रहेंगे। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को फिर तिहाड़ वापस जाना है? अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है, तो मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं जब 2 तारीख को वापस जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी कीमत पर 2 तारीख को तो जाना ही है, 2 तारीख को उनको हाजिरी लगानी है वहां पे जाके। अब इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बन के वापस जाएंगे वो? ठीक है, वो तो होना ही था। जिस तरह से धीरे धीरे कदम ईडी बढ़ा रही थी और जो दिख रहा था लाइन लेंथ दिखाई दे रहा था, उससे ये होना ही था। और हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ये बात मान के चलती है कि कैसे पूरे पार्टी को ध्वस्त किया जाए, पार्टी को पूरा ख़त्म करने की ये कोशिश लगातार, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में यहाँ है और पिछले तकरीबन 2.5 दशक से दिल्ली में उसकी एंट्री नहीं हो रही है, लगातार कोशिश जारी है। पूरे हिंदुस्तान में वो चक्कर लगा के आती है विजय का पताका फहराते हुए और दिल्ली में टाइट ऑफिस हो जाती है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक नई नवेली पार्टी जो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, उस पार्टी से इतनी परेशानी क्या? लोग परेशान हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है। इसी बार अभी इलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को यदि पुनः जेल में जाने की बात है और वो जाएंगे तो लोग ही डिसीजन लेने वाले हैं। अभी आने वाले दिनों में 25 तारीख को वो बटन जब दबाने जाएंगे तो पहली बार आपको ऐसा दिखेगा कि अभी तक संजीव जी इतनी लंबी जांच, इतने तमाम आरोपों की पुष्टि एक के बाद एक चार्जशीट में, और यही नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है। डीके दुबे साहब ने बहुत साफ कहा है कि जो तमाम फोन और वो गायब कर लिए गए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जरिए, उसके बावजूद जहां ये मैसेजेस गए वहां से तमाम डिजिटल साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक मनगढ़ंत पूरा मामला है। काम करने किस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं? काम करने के जांच एजेंसियों पे, सुप्रीम कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट पे, ईडी पर, सब पे? सर नहीं, देखिए, कोर्ट पे तो प्रश्न खड़ा करने की हमारी हैसियत नहीं है, कोर्ट से ही हम उम्मीद रखते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन जो पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, अब कौन नहीं जानता है, फिर वो बात दोबारा दोहराने की बात हो जाएगी कि किस तरह से गवाह से पैसे लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, फिर किस तरह से उसको बनाया गया, वो सारी चीज़ें उसमें दोबारा हम नहीं जाना चाहते। हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो जानती है कि किस तरह से इस पूरे पार्टी को ध्वस्त करने का संकेत ले दे के सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ही उठ रहा है। मामला सारा जुड़ा हुआ है आबकारी नीति से, शराब घोटाले से, तमाम उन साक्ष्यों से, लेकिन आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, घोटाला करें आप, भ्रष्टाचार करें आप, दिल्ली के अंदर दिल्ली के बच्चों को शराब की लत में डालने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रखे थे आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार की जांच हो, एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर काम करे और उसमें एक भयंकर बहुत बड़ा घोटाला सामने आए और इस घोटाले के पर्याप्त सबूत जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इतने करोड़ों का इसके अंदर लेन देन हुआ है और आम आदमी पार्टी एक बेनिफिशियरी के तौर पर है, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, उन्होंने पूछा कि आम आदमी पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उस तरफ से जांच को करना स्टार्ट किया तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल जी इस पार्टी के मुखिया होने के साथ साथ इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त भी हैं, किंग पिन भी हैं, मास्टरमाइंड भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पहले से कहते आई थी कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का भेष रखकर दिल्ली की जनता को ठगने आए हैं और ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे दिल्ली की जनता के समक्ष आता जा रहा है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं, संजीव जी से भी, कि आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी को जब बुलाया जा रहा था जांच के लिए तो दिल्ली की जनता के समक्ष यह सच खुल चुका था कि वो जांच से सिर्फ इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि दाल में कुछ काला है,
लेकिन यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूरी भ्रष्टाचार की एक खिचड़ी पकाई है। एक भ्रष्टाचार हो तो बताया जाए, लेकिन शराब का घोटाला ये दिल्ली के युवा को खत्म करने वाला था। इसमें खाली पैसों का घोटाला नहीं था, ये दिल्ली के भविष्य से खेलने वाला घोटाला था। दुबे जी, जो बहुत ही दुबे जी, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जब बात ये होती है कि पैसे का कहां इस्तेमाल किया गया, तो वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, और यही कारण है, इन्हीं सब कारणों से आप भी इसमें एक मुख्य आरोपी है। जो तमाम दलीलें संजीव यहां पर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये दलीलें कोर्ट में कहीं खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि कोर्ट में अगर खड़ी होती तो निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया को भी बेल मिलती और तमाम इनके नेताओं आज बाहर होते। देखिए, मनीष सिसोदिया की जब बेल का प्रकरण चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा समय दिया उस पर, और डे टू डे उसकी हीरिंग हुई, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मनी ट्रेल तो 300 करोड़ के ऊपर की पकड़ी जा रही है, और मनी ट्रेल चूंकि 300 करोड़ के ऊपर की है, इसलिए ये कहना कि नहीं ये गलत है, ये गलत होगा। अतः ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने का और समय दिया जाए, चूंकि वो मनी ट्रेल जो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसका अपराध करने के पर वो पैसा खर्च कर देता है और पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि पैसा खर्च हो चुका है, तो क्या अपराध नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी ने पैसा खर्च किया है तो आपने क्या उसको पार्टी बनाया? क्योंकि पैसा जिसके थ्रू हुआ, जिस चैनल के थ्रू हुआ है, उसका भी तो सामने आना चाहिए। अब वहां जहां चुनाव लड़ा गया, वहां से गोवा से लोगों ने, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए, वो स्टेटमेंट सामने आ गए। जो हवाला से पैसा गया वो सामने आ गया, कि कविता के माध्यम से जो पैसा गया और हवाला से वहां खर्च हुआ वो सामने आ गया। दुबे जी, संजीव जी से एक अंतिम रिएक्शन। संजीव जी, कई ऐसे साक्ष्य हैं जो इशारा कर रहे हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ, कोई एक मामला नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब निकल पाना इस मामले से उतना आसान नहीं है? जब तक समन तक नहीं गए थे तब तक तो ठीक है, बात बड़ी दूर तक थी। देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और बेदाग होकर निकलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के बहाने जो विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता तो खास करके देख रही है। और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि लगातार इस मामले में, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहा है, साथ ही साथ समाज को भी एक तरह से गुमराह करने की जो बात थी इस पूरी शराब नीति में, वो भी जनता के सामने है संजीव जी, और जनता इस समय बहुत बारीकी से देख रही है इस पूरे मामले को। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका भी, डीके दुबे आपका भी, संकेत आपका भी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाएं।